हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड डेली करंट अफेयर इशू सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया। क्या स्टेटस, क्या पोजीशन है एंटी कन्वर्जन लॉज के इंडिया में, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई लीगल फ्रेमवर्क, कोई कानून इससे रिलेटेड बनाया गया है, और स्टेट्स का इससे इसके संबंध में क्या आउटलुक है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज में रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक टूडे। ठीक है, इन सभी एस्पेक्ट्स को हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस नेशन, डिफरेंट रिलीजन के लोग इकट्ठे मिलकर यहां रहते हैं, और जहां कहीं भी ऐसी कुछ स्थिति रहती है या बनती है, वहां पर क्रिमिनल वायलेंस या कन्वर्जन के जैसी कंडीशंस या केसेस अक्सर खबरों में आते हैं। तो पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें, इसी साल अगर 9-10 महीने का डाटा देखते हैं लास्ट, तो तकरीबन 340 ऐसे केसेस आए। ठीक है, तो अभी क्या है इससे रिलेटेड, रिसेंटली कर्नाटका कि जो स्टेट असेंबली है, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 का प्रेजेंट किया है, जो कि विच आर सपोज टू पास इन द हाउस। नाउ अंडर दिस बिल प्रोहिबिट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। किन कंडीशंस में? अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी का कन्वर्जन किया जा रहा है, फोर्सफुली, फ्रॉड, मैरिज या किसी लालच को देकर किसी का कन्वर्जन किया जा रहा है। देखिए, कन्वर्जन अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं, तो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि आपके संविधान की धारा 25 से 28 में एज अ फंडामेंटल राइट आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी गिवन है। ऑलराइट, सो अब दूसरा हम बात करेंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कैसे रिलेटेड कोई कानून व्यवस्था है, लॉ है, तो अनफॉर्चुनेटली एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून अभी बना नहीं है। हालांकि 1954 से की कोशिशें की गई कि एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए जाएं। प्राइवेट मेंबर बिल्स के तौर पे बहुत बार ये बिल्स प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है, बट कभी भी ये जो है बिल पास नहीं हुआ, मतलब एक कानून की शेप ले ही नहीं पाया। इवन इन 2015 दैट टाइम ऑफ लॉ मिनिस्टर, उन्होंने एक रिमार्क स्टेटमेंट दिया था कि भाई आवर पार्लियामेंट इज नॉट कैपेबल टू मेक एंटी कन्वर्जन लॉज, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट है एंटी कन्वर्जन लॉज बनाने में, यहां तक स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है, उसी से हमें आइडिया चलता है कि भाई धर्म से संबंधित जब भी कोई कानून बनते हैं, देखिए स्टेट्स का कुछ और नजरिया, कुछ आउटलुक होता है, लेकिन देश के लिए जब कानून बन रहे हैं तो स्पेशली रिलीजन, जो कि एक सेंसिटिव इशू है, तो इतना सरल, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी ने भी अभी रिसेंटली ही कुछ समय पहले ही एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए हैं, ठीक है, और उत्तराखंड। तो ये कुछ स्टेट हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, और कर्नाटका भी अभी इस लिस्ट में शामिल हो गया। अब इसमें बेसिकली जो मेन प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑफेंसेस हैं, पेनल प्रोविजंस हैं, उन पर आएंगे। तो ये अगर किसी, जो हमने अभी बात किया था कि भाई मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मैरिज के माध्यम से, ठीक है, या किसी लालच के माध्यम से किसी का कन्वर्जन करा रहे हैं, कन्वर्जन हियर मीन कि भाई एक धर्म से आप इन माध्यमों से किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ठीक है, वो विलिंगली नहीं कर रहा है, तो इसे कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस घोषित किया गया है, जिसके तहत 3 ईयर्स पनिशमेंट बताई गई है एंड 25,000 जो है फाइन रहेगा, और अगर फिर भी वायलेशन होता है तो देन जो पनिशमेंट है दैट विल बी इंक्रीज टू 10 ईयर्स एंड द फाइन विल बी आल्सो इंक्रीज टू 50,000 रुपीज। सो आप इसी से सिग्निफिकेंस पता लगा सकते हैं कि भाई एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो अब उसमें काफी तब्दीली आ रही है, सख्ती सरकार दिखाना चाहती है। हालांकि इसमें एग्जाम्पशंस भी हैं, एग्जाम्पशन इन द केस ऑफ कि भाई मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ हिंदू पर्सन, ही चेंज हिज रिलीजन एंड मुस्लिम धर्म को उसने अपना लिया, ठीक है, नाउ ही वॉन्टेड टू बिकम अ हिंदू, तो क्या इसको हम, ठीक है, अब हो सकता है कि भाई वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ हो या उसको रिग्रेट होके वहां जाके हुआ हो कि भाई मैंने शायद गलती कर दी, आई वॉज हैप्पी बींग हिंदू या कुछ भी, तो क्या अब ऐसे व्यक्ति को कन्वर्जन के चार्ज लगेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से वो कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है एग्जाम्पशंस है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी कानून व्यवस्था में कोई क्लियर जो है एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड नहीं है, तो कह सकते हैं कि भाई इस पर कोई पनिशमेंट नहीं है अभी, हाल फिलहाल तो नहीं।
नाउ अब अगर कोई विलिंगली पर्सन अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 1 महीना पहले, 30 डेज पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडवांस जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी दैट आई वांट टू चेंज माय रिलीजन, ऑलराइट, देन ओनली वन कैन डू दिस, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस बिल में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अदर देन दिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है या कोई लीगल फ्रेमवर्क इससे रिलेटेड, उस पर बात करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको गिवन है, रिलीजियस अफेयर्स में आपको स्वतंत्रता है, जिसके माध्यम से एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन। बट यहां पर एक और बात क्लियर की गई है कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते या किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इन रिचुअल्स को, इन कस्टम्स को किसी धर्म के आप फॉलो करें, ठीक है। वन कैन डू इट बाय चॉइस बट नाउ नाउ बट नॉट बाय फोर्स, ऑलराइट, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं इस पर आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे मैंने कहा, कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, हालांकि इससे संबंधित डिफरेंट स्टेट्स ने कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, ठीक है। तो ये कुछ हम कह सकते हैं अभी इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉज की स्थिति है, पोजीशन है। ऑलराइट, सो चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इश्यूज एसोसिएट विद इट, कुछ इश्यू जो इससे संबंधित है उन पे बात कर लेते हैं। देखिए इश्यूज क्या है, सबसे पहला अनसर्टन एंड वॉग टर्मिनोलॉजी, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से किसी को ये बताया जाएगा कि आपके कन्वर्जन का जो बेस है, आधार है, वो गलत है। लाइक रिप्रेजेंट री सॉरी मिस मिस जो रिप्रेजेंटेशन वर्ड ऐड किया गया है, अब इसको बहुत ज्यादा वॉग है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या, किस चीज का मिस रिप्रेजेंटेशन और किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ जैसे फ्रॉड्स हो जाते हैं या मैरिजेस के केस में भी कहीं ना कहीं जो है स्टेटमेंट बहुत ज्यादा, अभी मतलब कह सकते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है इनमें और क्लैरिटी की आवश्यकता है। अगर लूप होल्स आप छोड़ेंगे तो फिर समस्या रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये एक एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए समस्या है। अदर देन दिस माइनॉरिटी एंटी एथिकल एंटी थेटिकल फॉर माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज जो है किसी भी समाज में, बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि आप किसी किसी देश की सक्सेस देखना चाहते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि उस देश की जो माइनॉरिटी है वो किस हालात में रह रही है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज स्टांस, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज का ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने जो कल्चर है उसको वो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं उनमें भी एक हीन भावना को बढ़ाएगी, उनके लिए भी जो है सेफ नहीं फील होगा उनको, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अदर देन दिस सेक्युलरिज्म, देखिए इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, आज ग्लोबली हमारी जो साख है वो एक सेक्युलर नेशन की है, और इस प्रकार के जो नियम जो हैं जो राज्य द्वारा बनाए जा रहे हैं ये एक सेक्युलर आइडिया के लिए भी, जो सेक्युलर आइडिया है उसको भी धक्का पहुंचाते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। बीइंग अ सेक्युलर नेशन एवरी एवरी पर्सन ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू चूज एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस और टू फॉलो और टू सपोर्ट, किसी भी धर्म को कर सकता है, ठीक है। तो ये माहौल बनाना, इस प्रकार के कानून बना देना, अब इसमें गलत कहा है, आप कहेंगे कि सर अगर गलत तरीके से किया जा रहा है तो उस पर तो चेक लगना ही चाहिए, यस, लेकिन कानून में आप मैरिज भी लिख दीजिए, ठीक है। मान के चलिए एक वयस्क है, एक अडल्ट, दो अडल्ट लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, अगर डिफरेंट रिलीजन्स के भी हैं तो क्या हुआ, अगर जबरदस्ती कराया जा रहा है तब समस्या होनी चाहिए। लेकिन आप जब क्लियरली ही लिख देंगे कि मैरिज भी इस कैटेगरी में आती है और, तो फिर क्या होगा कि समस्या आएंगी ही, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड कुछ केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें आपके हादिया जजमेंट केस जो है 2016-17 का, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था, ठीक है। एक हिंदू लड़की थी जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई, उसकी जो फ्रेंड्स थी वो मुस्लिम फ्रेंड्स बनी और धीरे धीरे शी इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, ठीक है, एंड लेटर ऑन शी चेंज हर रिलीजन, उन्होंने अपना नाम जो था वो हादिया कर लिया, ठीक है, अखिला नाम था उनका, अखिला से उन्होंने हादिया नाम अपना कर लिया। जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा उठाया, हाई कोर्ट तक लेके गया, हालांकि ये किसी की पर्सनल चॉइस है ये कहते हुए वो कोर्ट में ये केस हार गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती इसके पीछे और भी लोग हैं जो चेंज करा रहे हैं मेरी बेटी का धर्म। तो लेटर ऑन, बट उसके बाद क्या हुआ, दैट शी गॉट मैरिड, ठीक है, उनके फादर का नाम था अशोकन, अशोकन उनके फादर का नाम था, एंड हादिया गॉट मैरिड विद सफीन, सफीन जो है
इनके साथ उन्होंने शादी कर ली, और ऐसे कुछ केसेस न्यूज़ आने लगे कि शायद ये अब्रॉड चले जाएंगे, देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो उनके जो पेरेंट्स थे, मतलब अखिला के जो हादिया बन गई थी, उनके जो पेरेंट्स थे वो वरिड अबाउट था, एंड उन्होंने फिर से केस को केरला हाई कोर्ट में लेके गए। अब केरला हाई कोर्ट ने जब छानबीन की तो ये पाया कि सफीन जो है इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और इनके जो उनका जो टच है वो काफी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ भी है, ठीक है, लिंक्ड है। तो अब इस मैटर को उन्होंने संगीन बताया हाई कोर्ट ने, और कहा कि नहीं, कि इस शादी को जो है हम सही नहीं मानते हैं और इस शादी को रद्द किया जाए। तो इस मैरिज को केरला हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ऑल राइट, केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया था। नाउ सफीन जो है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल हाई कोर्ट से किया कि जो जब दो लोग व्यसक हैं, दो लोग एडल्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जैसे हादिया ने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे जबरदस्ती की गई, शी ऑलवेज सेड दैट कि भाई मैं अपनी मर्जी से धर्म को का परिवर्तन कर रही हूं और मैं अपनी मर्जी से एक मुस्लिम इंसान से शादी कर रही हूं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे ये कहा कि देन हु वी आर टू डिसाइड दिस, कि हम कौन होते हैं जब वो दो लोग खुश हैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्यों आप उन पे सर्विलेंस रख रहे हैं, उनके राइट टू मूव, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स 1914, इन सभी को आपका हनन कर रहे हैं, एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट थी केरला हाई कोर्ट की, उसको फिर रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनली अपनी ये जजमेंट दी। हाँ, अगर इसमें कहीं भी ये जो था मिस रिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड का केस हो, ठीक है, इलीगल मैरिज भी कई बार होता है कि भाई इन्फ्लुएंस किया जाता है, देन मैरिज कर ली जाती है। जैसे बहुत ऐसे केसेस निकल गया है कि लड़का है वो मिल रहा है एज अ हिंदू बॉय बनके, लड़की से शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद फिर जो है पता चल रहा है कि वो मुस्लिम, ठीक है। तो ऐसे केसेस भी हैं, उदाहरण के लिए आए हैं ऐसे भी केसेस, और ऐसे किसी भी धर्म के साथ हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ जो है जिसकी वजह से कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं, या लालच देखे कुछ लोग जो है अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि भाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि, और लालच देते हैं कि आपको जॉब देंगे इस प्रकार के, और फिर उसकी वजह से वो कन्वर्जन कराया जा रहा है। तो ये जो बातें हैं स्टूडेंट, किसी भी धर्म, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिंदू लड़का है वो किसी और धर्म में का नाम बता के कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई भी धर्म का कुछ गलत इंटेंशन हो तो वो गलत ही मानी जाएगी। तो उसके लिए जो है फिर क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ऑलराइट, सो इसके अलावा केएस पुट्टू स्वामी का जो केस है, जिसमें प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आपको गिवन है एज अ फंडामेंटल राइट, उसमें भी ये कहा गया है कि ये किसी का अपना निजी मामला है, मैं किससे शादी करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, मैं समाज में इस बात को बताऊं या ना बताऊं, इट इज माय राइट टू प्राइवेसी, नो वन कैन फोर्स मी टू डू समथिंग एल्स, या अपनी कोई सोच मुझ पे थोप नहीं सकता अगर मैं व्यसक हूं, अगर मैं एडल्ट हूं तो, ठीक है। तो ये कुछ जो है केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत बार जो है जिक्र होता ही रहता है कहीं ना कहीं कन्वर्जन के केसेस का, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं एंटी कन्वर्जन लॉज की आवश्यकता भी है, लेकिन उनमें अच्छी से क्लैरिटी जरूर रहनी चाहिए, ठीक है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये श्योरिटी, ये इंश्योरेंस जरूर है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।